हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो जीओसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट टाइम हमने इंडक्टिव इफेक्ट को जान लिया था, इसके अलावा हमने जीओसी का बेसिक भी पढ़ लिया था। तो इंडक्टिव के अंदर हमने दो टाइप के इफेक्ट पढ़े थे, एक प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस आई मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशन, जो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कहने का मतलब, जो इंटरमीडिएट हमने पढ़े थे, कितने तरह के इंटरमीडिएट पढ़े थे, तीन तरह के, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। इन तीनों की स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है कि स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन की बात करी थी। किसकी बात करी थी, कार्बोकेटायन। अच्छा मुझे बताइए कि जो कार्बोकेटायन था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था या इलेक्ट्रॉन रिच था, क्या था? कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है ये, तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इस वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इधर हम लिख देते हैं क्या, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की जब जरूरत होती है, कौन देता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन देता है कौन, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। कौन नहीं देगा, माइनस आई नहीं देगा। तो अगर जब भी कार्बोकेटायन आ जाए और उसकी स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबल करेंगे, प्लस आई इफेक्ट भी स्टेबल करेगा, पर जो माइनस आई है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है और इसके पास तो पहले ही कम है। अगर कम है और कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब प्लस आई हो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, तो मुझे बताइए कैसा था ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो इसको कौन स्टेबल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या प्लस आई ग्रुप ही इसको स्टेबल करेगा, क्या माइनस आई ग्रुप इसको अनस्टेबल कर देगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो बात करेंगे किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो मतलब ये कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन रिच। कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि कार्बोकेटाइन के वैलेंस शेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। पर कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल दोनों अनस्टेबल, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर इसको स्टेबल कौन करेगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने कौन होना चाहिए, लेने वाला। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेता है। कौन स्टेबल बनाएगा, माइनस आई इसको स्टेबल बनाएगा। कौन अनस्टेबल बनाएगा, अगर प्लस आई आ गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन देता है और सामने भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं पे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन आपको गिवन है उनकी स्टेबिलिटी आपको बतानी है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले है CH3+, CD3+, CT3+ कार्बोकेटायन आपको नजर आ रहा होगा। आप ध्यान से देखो, यहां पर गिवन है आपको हाइड्रोजन, यहां पर गिवन है ड्यूटीरियम, यहां पर गिवन है ट्राइटियम। हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट टी का सबसे ज्यादा होता है, फिर डी का और फिर एच का। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? CT3, फिर CD3, फिर CH3, क्योंकि कार्बोकेटायन को स्टेबल कौन बनाता है? प्लस आई। और प्लस आई किसका ज्यादा होता है? टी का। किसका सबसे ज्यादा होता है? टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो सब जगह कार्बोकेटायन है, यहां पर तीनों हाइड्रोजन है, यहां पर एक ड्यूटीरियम है, यहां पर दो ड्यूटीरियम है, यहां पर तीन ड्यूटी। अच्छा, ड्यूटीरियम कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई दिखाता है। और कार्बोकेटायन को भी क्या चाहिए? प्लस आई चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? प्लस आई देगा। जहां ज्यादा प्लस आई वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, क्या ये 3 डिग्री है, क्या ये 2 डिग्री है, क्या ये 1 डिग्री है, और ये सिर्फ मिथाइल है। इसमें इधर से भी प्लस आई, इसमें इधर से भी प्लस आई, इसमें इधर से भी प्लस आई, तीनों जगह मिथाइल लगे हुए हैं, मतलब तीनों जगह से प्लस आई लग रहा है। इधर से भी मिथाइल, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी मिथाइल, इधर से, इसमें ओनली वन साइड मिथाइल, तो मतलब एक तरफ प्लस आई, और इसमें तो मिथाइल है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्टली प्लस उसी पर कार्बन पर है। तो मुझे बताओ, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वहां प्लस आई ज्यादा होगा, जहां प्लस आई ज्यादा होगा वहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 and 4। क्लियर? चलिए मुझे बताओ, ये वाला जो केटायन है ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो कहने का मतलब, यहां पर इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई एंड इधर से भी प्लस आई, जबकि ये वाला 2 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? 2 डिग्री, दो ही तरफ से प्लस आई है, जबकि ये वाला तो 1 डिग्री है, मात्र एक तरफ से प्लस आई लगा हुआ है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जहां नंबर ऑफ प्लस आई ज्यादा होंगे वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर कार्बोकेटायन का ऑर्डर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री का मतलब तीनों तरफ से प्लस आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 के अंदर कार्बोकेटायन किस पर है? ट्रिपल बॉन्ड बोले तो sp, डबल बॉन्ड मीन्स sp2, और इधर sp3। sp3 मीन्स, कहने का मतलब, ये एक मिथाइल प्लस आई लगा रहा है। डबल बॉन्ड ऑलवेज क्या लगाता है? माइनस आई। ट्रिपल बॉन्ड भी क्या लगाता है? माइनस आई। तो किसका प्लस आई ज्यादा, किसका ज्यादा है प्लस आई? इसका। जहां प्लस आई ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा? ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा होता है, और अगर माइनस आई ज्यादा होगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट, कार्बोकेटायन किस पर है? इस कार्बन पे। अच्छा, ये तीनों कार्बन जो है ये सिमिलर हैं, इसके पास भी हैं, इसके पास भी हैं, तो डिफरेंस किससे क्रिएट होगा? NO2। NO2 किस कार्बन पे लगा हुआ है? 3rd कार्बन पे, जबकि यहाँ NO2 कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? 2nd कार्बन पे। अच्छा, NO2 क्या दिखाता है? माइनस आई, माइनस आई। बोलो है कि नहीं है? माइनस आई की वजह से कार्बोकेटायन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो जितना ज्यादा दूर हो, यहां पर दूर है, यहां पर पास है, जितना ज्यादा दूर होगा उतना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई? 1st is greater than 2nd, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इस NO2 का जो माइनस आई है वो कम हो चुका है, क्योंकि यहां डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, NO2 इज अ माइनस आई ग्रुप, CN इज ऑल्सो माइनस आई ग्रुप, F इज ऑल्सो माइनस आई ग्रुप। किसका माइनस आई सबसे कम है? जिसका माइनस आई सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन को माइनस आई से दूर रहना है, किसको पास लाना है? प्लस आई को, पर यहां प्लस आई कोई है ही नहीं। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका माइनस आई सबसे कम, तो सबसे कम होता है फ्लोरीन का, उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है साइनाइड का, और उससे भी ज्यादा NO2। चलिए फिर NO2 माइनस आई, फिर NO2 माइनस आई, फिर NO2 माइनस आई। आपको दिख रहा होगा NO2 धीरे धीरे पास आ रहा है। अगर NO2 पास आएगा मतलब माइनस आई धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर माइनस आई बढ़ेगा तो केटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 1, 2 and 3। क्लियर? चलिए
डबल बॉन्ड पे प्लस, डबल बॉन्ड का मतलब माइनस आई, दो दो डबल बॉन्ड मतलब दो दो बार माइनस आई, तीन डबल बॉन्ड मतलब तीन बार माइनस आई। तो कहने का मतलब क्या हो गया है, जहां डबल बॉन्ड बढ़ेंगे वहां माइनस आई बढ़ेगा। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, फर्स्ट, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड सबसे कम है, यहां माइनस आई सबसे कम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, तीनों जगह CH3, कार्बोकेटाइन अपनी ही पोजीशन पर है, कार्बोकेटाइन फिक्स जगह पर है, तीनों जगह मिथाइल, तीनों जगह ड्यूटेरियम, तीनों जगह ट्राइटियम, मतलब क्या लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, जहां प्लस आई ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो पहला है वो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, जबकि इसमें इधर से और इधर से दो ही तरफ से प्लस आई है। सेकंड के अंदर तीन तीन तरफ से प्लस आई है, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, कौन होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए फर्स्ट से अच्छा, पर ऐसा नहीं होता, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। क्यों ऐसा क्यों हो गया, तो चलिए इसको अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, मैं थोड़ी देर में आने वाला हूं स्टूडेंट इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या लगाता है, कार्बोकेटाइन यहां पर है, कार्बोकेटाइन यहां पर है, ऑक्सीजन क्या लगाता है माइनस आई, सल्फर भी क्या लगाता है माइनस आई, पर किसका माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई ज्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन का। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो ज्यादा कौन हो जाएगा, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। कार्बोकेटायन फिर से देखो, यहां पर 3 कार्बन्स हैं, यहां पर 4 कार्बन्स हैं, यहां पर 5 कार्बन्स हैं, यहां पर 6 कार्बन्स हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट, यहां पर CF3 मीन्स माइनस आई, यहां CCl3 मतलब माइनस आई, यहां पर एक कार्बन बीच में आ गया है, डिस्टेंस बढ़ गई है किसकी, CCl3 की, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर डिस्टेंस बढ़ गई है, जहां पे माइनस आई कम हो गया है, क्योंकि तीनों ग्रुप माइनस आई लगाते हैं पर यहां पर डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से माइनस आई कम है, CCl3 और CF3, F का माइनस आई Cl से ज्यादा होता है, तो सबसे पहले ये फिर ये। क्लियर, जिसका माइनस आई कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फॉलोइंग कार्बेनायन। अभी तक हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था, अब हम कार्बेनायन के क्वेश्चन करने वाले हैं। कार्बेनायन का मतलब जो माइनस है वो कब स्टेबल होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, अगर प्लस आई ग्रुप आया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए यहां पर 3 जगह से प्लस आई, प्लस आई की जरूरत है क्या माइनस को, बिल्कुल नहीं है, तो कहने का मतलब सबसे बेकार। यहां 2 तरफ से प्लस आई है क्या जरूरत, बिल्कुल नहीं है, सबसे बेकार। यहां पर 1 तरफ से प्लस आई है क्या जरूरत, नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CH3- जहां पर प्लस आई सबसे कम है। अच्छा ये 3 डिग्री मतलब प्लस आई प्लस आई प्लस आई, तीन तीन तरफ से प्लस आई, इसमें इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इसमें ओनली 1-साइडेड प्लस आई, तो जहां प्लस आई कम होगा वहां पर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। स्टूडेंट प्लस आई कब लगेगा, जब कार्बन आएगा। तो क्या समझ में आया यहां से, कि जब भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात की जाएगी तो 1 डिग्री कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 3 डिग्री कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ये 3 डिग्री पर इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई, ये 1 डिग्री पर और ये 2 डिग्री पर, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो 1 डिग्री होगा जहां प्लस आई सबसे कम होगा, तो आंसर 2, फिर 3, फिर 1। क्लियर है कहानी। चलिए CH3 तीनों एच, 1 प्लस आई ग्रुप बढ़ चुका है, 2 प्लस आई ग्रुप बढ़ चुके हैं, 3 प्लस आई ग्रुप बढ़ चुके हैं, तो प्लस आई सबसे कम कहां पर है, यहां पर है। चलिए NO2 माइनस आई को देखकर माइनस खुश है, तो कहने का मतलब जहां माइनस आई ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो माइनस आई सबसे पास कहां पर है, यहां पर है, तो माइनस कहने का मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस जहां ज्यादा होगी वहां इफेक्ट कम होगा, तो इफेक्ट सबसे कम कहां पर है, यहां पर, यहां माइनस आई सबसे कम है, जो कि अच्छी बात नहीं है, माइनस आई ज्यादा होना चाहिए किसके लिए, माइनस के लिए, सो स्टेबल कौन होगा, 3 फिर 2 फिर 1। चलिए नेक्स्ट,
सी डबल बॉन्ड ओ इज माइनस आई ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ इज माइनस आई ग्रुप, क्लियर। तो माइनस आई ग्रुप जितना पास होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। माइनस किस पर है, एसपी कार्बन पर। माइनस किस पर है, एसपी टू कार्बन पर। माइनस किस पर है, एसपी थ्री कार्बन पर। अच्छा बताओ माइनस कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, जहां ईएन बढ़ेगी, जहां माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये प्लस आई। तो माइनस कब स्टेबल होता है, जब माइनस आई बढ़ता है। तो माइनस आई किसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है। चलिए फर्दर एनओ टू माइनस आई, एनओ टू माइनस आई, एनओ टू माइनस, डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ेगी, माइनस आई कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वन थ्री टू वन। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, किसका माइनस आई ज्यादा, नाइट्रोजन का। तो आंसर क्या आ जाएगा, टू इज ग्रेटर देन वन। माइनस आई किस पर है, इस पर है टू डिग्री पर, जबकि यहां माइनस चार्ज कितने डिग्री पर है, वन डिग्री पर। तो कहने का मतलब इधर से क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप, जबकि इधर से क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप। इसमें तो ओनली माइनस आई ग्रुप है, प्लस आई है ही नहीं। तो अगर प्लस आई नहीं है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फॉलोइंग रेडिकल्स। रेडिकल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, कार्बोकेटायन की तरह। तो कहने का मतलब आंसर क्या आ जाएगा, जहां पे प्लस आई ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सिंपली आप बता सकते हैं, यहां प्लस आई ज्यादा है, यहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर प्लस आई ज्यादा है तो कहने का मतलब यहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप रेडिकल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो माइनस आई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सबसे कम माइनस आई किसका होगा, साइनाइड का, मतलब सबसे स्टेबल कौन होगा, सेकंड। उसके बाद सबसे कम किसका होता है, NO2 का। तो फिर स्टेबल कौन होगा, वन। और सबसे ज्यादा माइनस आई रखता है NR3+, मींस थर्ड सबसे अनस्टेबल है, क्लियर। चलिए तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन जो आपसे छोड़ रहा हूं उस पर मैं वापस आऊंगा, तो चलिए उस क्वेश्चन को वापस से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसका आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए था थ्री, टू इज ग्रेटर देन वन, बट आंसर है वन इज ग्रेटर देन टू। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए एक रूल है, ब्रेडेट्स रूल। क्या है एक रूल, दिस इज द ब्रेडेट्स रूल, जिसकी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, मैं यहां पर उसी स्ट्रक्चर को वापस से ड्रॉ कर रहा हूं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है। क्या स्ट्रक्चर गिवन है आपको, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है कुछ इस तरीके से कि आपको यहां पर ये दिया गया है, क्लियर। आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है, और इस पर आपको प्लस दिया गया है थ्री डिग्री पर। तो ध्यान से देखो कि अगर यहां प्लस आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लस, दिस इज द बाय साइक्लो कंपाउंड, दिस इज द बाय साइक्लो कंपाउंड। और बाय साइक्लो कंपाउंड का जो ये कार्बन होता है इसे कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहा जाता है इसको, ब्रिज हेड कार्बन कहा जाता है। यह आपने सब आईयूपीएससी के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ब्रिज हेड जो कार्बन होता है वो क्या होना चाहिए, एसपी थ्री होना चाहिए, बट आपने प्लस बना के उसको क्या कर दिया, एसपी टू कर दिया। ये कौन सा कार्बन है, एसपी टू कार्बन है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जो पूरी की पूरी जो रिंग है, ये जो रिंग है पूरी, ये क्या होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। अगर ये रिंग प्लेनर हो गई तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्ट्रेन फुल हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। अगर इसके अंदर स्ट्रेन आ गया तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनके ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी sp2 नहीं होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। मतलब sp2 कब कब हो सकता है, जब प्लस आ जाए, जब रेडिकल आ जाए, जब डबल बॉन्ड आ जाए, और जब बोरोन आ जाए। ये अगर कंडीशन आ जाती है तो ब्रिज हेड कार्बन अनस्टेबल होता है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ये जो क्वेश्चन था, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर वन, जो कि वहां पे 11 नंबर का क्वेश्चन था। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर कहानी क्या है, यहां पर कहानी कुछ ऐसी है कि ये तो है ब्रिज हेड पर, जबकि ये है नॉर्मल sp2
टू है ये भी, पर ये ब्रिज हेड पर नहीं है। तो मैंने कहा था अगर ब्रिज हेड पर केटायन आ जाए तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो चलिए, ब्रेडर्स ने क्या रूल दिया था? ब्रेडर्स ने कहा था कि प्लेनेरिटी नेवर कैन बी अचीव्ड ऑन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड सेंटर या ब्रिज हेड कार्बन ऑफ बाईसाइक्लो सिस्टम कंटेंस 8 और लेस देन 8 कार्बन एटम। तब तक कंपाउंड प्लेनर नहीं हो सकता जब तक कि 8 या 8 से कम कार्बन है। अगर 8 या 8 से ज्यादा कार्बन हो जाते हैं तो कंपाउंड प्लेनर हो जाएगा, कंपाउंड के ब्रिज हेड पर sp2 बन जाएगा। पर अगर 8 या 8 से कम कार्बन है तो आप प्लेनेरिटी अचीव नहीं कर सकते। किस पर? ब्रिज हेड के ऊपर। क्लियर? तो सिंपल सी कहानी है, ब्रिज हेड के ऊपर प्लस तब तक नहीं आ सकता जब तक कि 8 से ज्यादा कार्बन ना हो जाए। अगर 8 या 8 से कम कार्बन है तो आप प्लस नहीं बना सकते, वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, उस कंपाउंड के अंदर स्ट्रेन आ जाएगा। तो चलिए देखो ध्यान से, यहां पर प्लस ब्रिज हेड पर है तो क्या है ये, रियल या नो रियल? ये रियल नहीं है, ये गलत स्ट्रक्चर है, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये है नो रियल, जिसे ना रियल भी कहा जा सकता है। ठीक, ये है रियल, दोनों में से स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली यही होगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि इसमें ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड, मतलब यहां sp2 बन चुका है, मतलब ये है ना रियल, ये है रियल। क्लियर? ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसी तरीके से माइनस, माइनस का तो हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 होता है, यहां पर भी sp3 होता है। तो मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या sp3 तो पॉसिबल है, sp2 पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्या कहा है, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन में नहीं आ सकता। sp3 का मतलब प्लेनर नहीं होता, sp3 तो पिरामिडल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो sp3 बनाया जा सकता है, sp2 नहीं बनाया जा सकता। तो ये भी रियल है और ये भी रियल है, पर दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री में माइनस अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर? पर बनाए दोनों जा सकते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोनों नहीं बनाए जा सकते। इसमें सिर्फ वही बनेगा जो ब्रिज हेड पर नहीं होगा। उसी तरीके से रेडिकल कहां पर है? ब्रिज हेड पर, जबकि ये ब्रिज हेड पर नहीं है। तो ये तो है नो रियल, क्योंकि ब्रिज हेड पर आने की वजह से ये कार्बन क्या हो गया है? sp2। ये है रियल, क्या है ये? रियल। पर ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला, ये तो हाईली अनस्टेबल है। क्लियर है कहानी? तो ब्रेडर्स ने क्या बताया कि ब्रिज हेड के ऊपर कभी भी sp2 पॉसिबल नहीं होता। कब तक? जब तक कि 8 या 8 से कम कार्बन हो। क्लियर? अगर sp2 आया तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्लिक साइज। अभी तक हमने जो स्टेबिलिटी पढ़ी थी वो किसके बेसिस पे पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी इफेक्ट के बेसिस पे। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज के बेसिस पे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या रेडिकल, रेडिकल या कार्बोकेटाइन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या हो गया है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हो गई तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा जो कि इसके लिए नुकसानदायक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम, क्या होनी चाहिए? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा एक पीरियड में कंसिडर करेंगे। साइज भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो साइज की जरूरत ही नहीं है। साइज हमेशा एक ग्रुप में कंसिडर करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कार्ब एनायन की बात करें तो कार्ब एनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच, रिच है तो देगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किसके अंदर? एक पीरियड के अंदर। जबकि साइज भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए एक ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर? तो जब भी एक पीरियड के एलिमेंट्स आ जाएं तो हमेशा आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देना है, अगर एक ग्रुप के एलिमेंट आ जाए तो आंसर साइज से देना है। तो चलिए क्वेश्चन, मैंने एक नोट पॉइंट लिखा हुआ, इफेक्ट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम साइज। इस पॉइंट का मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा मुझे बताओ, चारों माइनस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम पर है।
अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया है जिसमें माइनस डिफरेंट डिफरेंट एटम पर हो। माइनस या तो कार्बन पे रहेगा, या नाइट्रोजन पे रहेगा, या फ्लोरीन पे रहेगा, सब सेम एटम पर इस बार माइनस डिफरेंट डिफरेंट एटम पर है। तो आपको एटम को देखना पड़ेगा कि एटम किसके हैं, एक ग्रुप के हैं या एक पीरियड के हैं। तो देखो ध्यान से, जो माइनस है वो एक ग्रुप के नजर आ रहे हैं। अगर ग्रुप के नजर आ रहे हैं तो क्या लगाना है, साइज फैक्टर वर्क करेगा। माइनस के लिए साइज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो माइनस में साइज किसकी ज्यादा है, आई की। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आई माइनस। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये जो एलिमेंट है वो एक पीरियड के एलिमेंट है। एक पीरियड के अंदर क्या देखा जाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका ईएन ज्यादा होगा वहां माइनस आई ज्यादा स्टेबल, वहां माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो कहां ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर बात करें। थर्ड के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो एक पीरियड के एलिमेंट है। पीरियड के एलिमेंट में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। जबकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ग्रुप के एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट में किसकी साइज ज्यादा है, सल्फर की। तो ये आ गया है स्टेबिलिटी ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर साफ साफ ईएन से आंसर आ रहा है। यहाँ एसपी कैरेक्टर है, यहाँ एसपी टू है, यहाँ एसपी थ्री है। ईएन किसकी ज्यादा होती है, एसपी की। तो आंसर आ जाएगा 3-1। पीएस टू एंड एनएस टू दोनों एक ग्रुप के एलिमेंट है। अगर दोनों एक ग्रुप के एलिमेंट हैं तो मतलब आंसर किसका ज्यादा आएगा, इसका, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा होती है। तो जैसा नोट पॉइंट मैंने लिखा तो उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ नोट पॉइंट के बेसिस पे। क्या कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा एफ माइनस सी एल माइनस, एक क्वेश्चन लिखा मैंने एफ सी एस टू माइनस सी एल सी एस टू माइनस। अब जरा ध्यान से देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ माइनस सेम एटम पर है या डिफरेंट एटम पर है, किस पर है, डिफरेंट एटम पर। अगर डिफरेंट एटम पे माइनस है तो इफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, एलिमेंट को देखेंगे कि वो एक पीरियड के हैं या एक ग्रुप के हैं। ये किसके एलिमेंट है, एक ग्रुप के एलिमेंट है। अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो क्या फैक्टर वर्क करेगा, साइज फैक्टर। किसका साइज ज्यादा है, क्लोरीन का, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां माइनस किस पर है, कार्बन पे। दोनों में माइनस सेम एटम पर है, अगर सेम एटम पे आ जाए तो क्या अप्लाई करेंगे, इफेक्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस को कौन स्टेबल करता है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबल करता है। तो देखो ध्यान से, क्लोरीन भी माइनस आई लगाता है, फ्लोरीन भी माइनस आई लगाता है, पर माइनस आई किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। तो इस वजह से आंसर ये आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो गया है, जबकि आप फ्लोरीन क्लोरीन में कंफ्यूज ना हो जाएं, इस वजह से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इफेक्ट तब लगाना है जब सेम एटम पर माइनस हो, सेम एटम पे प्लस हो, सेम एटम पर रेडिकल हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम पे माइनस है, प्लस है, रेडिकल है, तो कभी भी इफेक्ट ना लगाएं। उसके लिए क्या देखेंगे, साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो चुका है विद एप्लीकेशन। तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है परमानेंट के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर। तो इसी तरीके से आप वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक